अगर सरफराज ऐसे ही चले तो पाकिस्तानी टीम बहुत आगे जाएगी। टेस्ट कप्तान मिर्ज़ा उल हक कहते हैं सरफराज अहमद अच्छे फैसले कर रहे हैं, उम्मीद है कौमी टीम वेस्टइंडीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन सब जानते हैं कि दोनों मुल्कों के मैच क्यों नहीं होते। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जामिया कराची में रुनमाई। टेस्ट क्रिकेटर अफगानिस्तान कहते हैं ट्रॉफी को पाकिस्तान लाना खुशहाल है, उम्मीद है कौमी टीम नागा इवेंट अपने नाम करेगी। ट्रॉफी की ईदी होम में भी रुनमाई। शाहिद अफरीदी कहते हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुराजी। आसिम की रिहाई मजीद 1 दिन के लिए लटक गई। घर की बजाय बक्कर बंद गाड़ी में अस्पताल जा पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम के रिलीज ऑर्डर में तरमीम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस चीफ जस्टिस को इरसाल। सीनियर जज जस्टिस इरफान सादत का भी रिलीज ऑर्डर की दरख्वास्त पर फैसला देने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट में शर्जील मेमन की अबूरी जमानत मंजूर। शर्जील मेमन की तोपों का रुख फिर वफाकी वजीर दाखिला की जानिब मनाजरे का भी चैलेंज दे दिया। बोले ये 90 की दहाई नहीं। चौधरी निसार वजीर आजम और उनके बच्चों का नाम भी ECL में डालें। मेरे और डॉक्टर आसिम के मुतालिक कोई डील नहीं हुई। गर्मी का मार्च में ही डबल मार्च। सिंध में पारा 42 पहुंच गया। गर्मी ने झलक दिखाई तो लोड शेडिंग ने भी कयामत ढाई। मुल्क भर में बिजली की गैर ऐलानिया बंदिश आवाम की जान पर बनाई। अभी तो आगाज है, गर्मियों में दिन में 10 घंटे ही पंखा चलेगा। हुकाम के मुताबिक डैमों में पानी की कमी से बिजली की पैदावार मुतासर हुई। आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओग्रा ने मसूआती कीमतों में वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। यकुम अप्रैल से पेट्रोल की कीमत 75, हाई स्पीड डीजल की 84 रुपए फी लीटर होने का इम्कान। हतमी फैसला कल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। सरमायाकारों के 53 अरब रुपए डूब गए। कारोबारी सेशन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 426 पॉइंट्स की कमी हुई। KSE 100 इंडेक्स 47,949 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस झंडे को मुझे एज ए पाकिस्तानी उठाने से कोई नहीं रोक सकता। कौमी परचम को पार्टी परचम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पाक सरजमीन पार्टी को कौमी परचम बतौर सियासी झंडा इस्तेमाल करने से रोक दिया। अनीस कायम खानी कहते हैं अवाम को झंडा लाने से कैसे रोक सकते हैं, तफसीली फैसले के बाद रद्द अमल देंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अवामी तहरीक की हमायत की जरूरत पड़ गई। आसिफ जरदारी का ताहिरुल कादरी से टेलीफोनिक राबता। साबिक सदर ने ताहिरुल कादरी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में आइंदा राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। नाहल डॉक्टरों पर कानून ने हाथ डाला तो एहतजाज पर उतर आए। जौरा बीबी हलाकत केस में पीड़ित की कार्रवाई पर यंग डॉक्टर्स का लाहौर में एहतजाज। मुजाहरे के बायस जेल रोड ब्लॉक होने पर शहरियों को मुश्किलात। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। बन्नू जेल में दहशतगर्द ताहिर को फांसी दे दी गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ताहिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। बन्नू जेल में पाक फौज और पुलिस ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मशकें भी की।
धुआं छोड़ने वाले बमों का भी इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की मुलाकात। मुल्की सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से इसहाकदार ख्वाजा आसिफ और तारिक फातमी भी मिले। डॉन लीक्स और सियासी सूरत हाल पर बात की गई। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों में सफीरों की तैनाती और तब्दीली का फैसला कर लिया। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इफ्तिखार अजीज तुर्की में तैनात। सुहेल महमूद भारत में हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की जगह लेंगे। डॉक्टर सुहेल खान को जनूबी अफ्रीका, नजमुल साकिब को ब्राजील में तैनात किया जाएगा। वजीर आला सेंट सैयद मुराद अली शाह स्वीट होम पहुँच गए। मुराद अली शाह ने स्वीट होम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। बच्चों ने वजीर आला सिंध का शानदार इस्तकबाल किया। हरमूदी के भारत में मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोश्त की डिशेस पर पाबंदी। मुसलमान तलबा तालिबात सब्जियां खाने पर मजबूर। वंदे मातरम ना गाने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमान ताजरों को धमकियां।